अभी हम आ चुके हैं हमारी गांव के अंदर, एक बावड़ी है शायद आप लोगों को प्लेयर। ओ तेरी बैट का लगी है। मतलब कि चलाना कहाँ पे चाहिए, अभी चला अब कहाँ पे रहे, ये देखो इसको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर से करते हैं एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत। और आज का ब्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस ब्लॉग में आपको जानने का मौका मिलेगा मेरे बारे में अच्छे से, मैं कहाँ पे रहता हूँ उस चीज़ के बारे में, जहाँ पर मैं रहता हूँ तो उस गांव के बारे में आपको हर एक चीज़ें, गांव के अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है, मैं कहाँ पे पढ़ा लिखा हूँ, तो आपको आज बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। तो करते इस ब्लॉग को शुरुआत। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको अच्छे से बता देता हूँ। नाम मेरा पवन शर्मा है, बेसिकली जो मेरा गाँव का नाम है लोहारी, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। और सबसे पहले आपको ले चलते हैं गांव की सैर कराने के लिए, तो आपको लेकर चलते हैं हमारे गांव के अंदर, दिखाते हैं गांव के अंदर क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, बहुत कुछ देखने के लिए है। आप बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ दिखाने वाला हूं आज मैं। तो चलो चलते हैं। मैं अभी अपनी छत के ऊपर खड़ा हूँ, तो छत से कुछ गाँव का व्यू ऐसा दिखता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ का व्यू कैसा है। अरे क्या कर रहा है तू ये? तो चलो फिर लेट्स सी, लेकर चलते हैं आप लोगों को गांव के अंदर, आपको दिखाते हैं बहुत सारी चीजें। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं रोड के ऊपर, और यहाँ से हमारे गांव की एंट्री स्टार्ट होती है। अब दिखाता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले आते हैं हमारे गांव की एंट्री की तरफ बढ़ते हुए, तो पहले पेट्रोल पंप आता है, उसके बाद आप लोगों को आगे दिखाते हैं। ये गांव का पहला रास्ता है जो गांव के अंदर जाता है, जिसको हम गांव की फिरनी बोलते हैं। ये गांव के चौकड़ाई, अगर यहां से एंट्री करोगे तो आगे एक रास्ता दिखाऊंगा वहां से निकलता है। ये हमारा बस स्टैंड है, आप देख सकते हो कितना अच्छा बस स्टैंड है गांव के अंदर। यहां पर भवन भी है, जो आपको सामने दिख रही थी ये छतरी है, इसको हम छतरी बोलते हैं, बहुत पुरानी छतरी है ये। अंदर तो सकुल का ये मेन गेट है, जहाँ से सकुल की एंट्री होती है, जिस सकुल में मैंने पढ़ाई करी है। अब आप लोगों को दिखाते हैं सकुल। सकुल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। शायद हो सकता है कि आप लोगों को कुछ याद आ जाए, तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये था मेन गेट, और अभी ये वाला जो स्कूल है वो राजकीय प्राथमिक पाठशाला, मतलब कि एक से लेकर पाँचवीं क्लास तक। इसके अंदर मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव यहीं पर की है। तो अब तो फिलहाल सकुल के अंदर बहुत सारा इंटरचेंज किया है, उस टाइम तो फिलहाल कुछ में कुछ भी नहीं था, बहुत कम था ये लगा लो। तो और आपको आगे दिखाते हैं, अच्छे से देख सकते हो व्यू। ये दो नौजवान हमारे जो इस सकुल के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, ये देखो। मतलब कि चलाना कहाँ पे चाहिए, अभी चला अब कहाँ पे रहे, ये देखो इसको, ये खेलने का मैदान है। और आपको दिखाते हैं और बहुत सारी चीजें, जैसे कि ये पानी पीने का जल है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ठीक है। जिस टाइम मैं सकुल में पढ़ता था उस टाइम में नहीं था, उस टाइम पे तो उधर है पानी पीने की टंकी, वो भी आपको दिखाऊंगा। दिखाने की चीज तो नहीं है बट फिर भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ का टॉयलेट वॉशरूम है, ये देखो भाई साहब, थोड़ी सी मस्ती करते हुए हमारे दो प्लेयर। ओ तेरी बैट के लगी है। रोक दे मित्र। ये देखो पेड़ कितना बड़ा है, बहुत बड़ा पेड़ है यार ये। ये देखो, जब मैं 9th क्लास में था तो मैं यहाँ पर बैठ के क्लासेज अटेंड करता था। और ये जो इस बिल्डिंग में मैंने 9th to 12th किया है, बाकी जो मैंने किया है 6th, 7th, 8th वो इसके अंदर मैंने किया है। अंदर आपको चलकर दिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ें। वैसे तो अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ताला लगा हुआ है, बट अंदर की बिल्डिंग में दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये है अंदर की बिल्डिंग, अब अभी डैमेज हो चुकी है वैसे सारी। तो वो जो सामने क्लास दिख रही है
वो सामने की तरफ, उसे मैंने 9th क्लास की थी। अब अंदर तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि बंद पड़ा वैसे बिल्डिंग, बट आप यहाँ की पेड़ वेड़ देखो यार, कितने बड़े बड़े पेड़ है यार, ये देखो। और आपको दिखाता हूँ जो ये वाला पेड़ है वो बड़ का पेड़ है, और जो आपको उधर दिख रहा है वो पीपल का पेड़ है। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके मुझे ये बताना कि आप लोगों में से किन किन लोगों को स्कूल की यादें आ रही है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आपको और चीज़ दिखाते हैं आगे। थोड़ा आपको बाहर से दिखा देता हूँ स्कूल कैसा दिखता है। अभी यहाँ पर एक नई बिल्डिंग तैयार हो रही है, और यहाँ पर पहले खेलने का मैदान था, नई बिल्डिंग तैयार होने के कारण अब इस खेलने के मैदान को बंद किया गया है। ठीक है, अभी चलते हैं गांव की तरफ, गांव में दिखाते हैं काफ़ी विचित्र जगह। अभी हम आ चुके हैं हमारी गांव के अंदर, एक बावड़ी है, शायद आप लोगों को देखो दिख भी रहा होगा, बहुत सालों पुरानी बावड़ी है। इसमें हम बहुत बार नहाए भी है पानी भर भर के। देखो पानी भरने का आपको दिखाता हूँ, ये देखो आपको पाइप, ये पानी भरने की पाइप है, इससे पानी इसमें भरा जाता है। अब आप लोग ये मत समझना कि ये कुआ है तो पानी नीचे से आता होगा, पहले आता था बट अब नहीं आता। इसमें हम बहुत बार नहाए भी है, आप लोगों का मेरे फ़ोन में अगर क्लिपिंग पड़ी होगी तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, ये आप देख सकते हो, बहुत साल पुरानी बावड़ी है वैसे ये, जिस टाइम गांव बसा भी नहीं था तब की है बावड़ी। एक बेहतरीन गुफाएं भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक जादू देखना तो कल उधर से है, उधर से है, उधर से देख सकते हो आप लोग। इधर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे दिखती है ये। वो जो आपको दिख रहा है सामने वो शनि मंदिर है। तो ये चीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकर चलते हैं आपको आगे की तरफ, यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर दिखाते हैं आप लोगों को, कौन सा मंदिर है। तो चलो एक बार आप लास्ट बार एक बार ढंग से देख लो इसको अच्छे से, चले तो गाइस जिस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में आपसे मैं बात कर रहा था तो यही वाला मंदिर है, मंदिर का नाम है बाबा सोगर मंदिर। सभी के जो सामने आपको बाइक दिख रही है वो बहुत ही पुरानी बाइक है, जो सामने बुलेट बाइक खड़ी है। तो चलते हैं लेके आपको अंदर की तरफ दिखाते हैं मंदिर का अंदर का दृश्य। जो सामने मूर्ति दिख रही है वो बाबा सोगर की मूर्ति है, तो आप दर्शन कर सकते हो आप लोग। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ये गांव की व्यायामशाला है
और ये गांव का पार्क है जो आपको सामने दिख रहा है वो पृथ्वीराज चौहान भवन है। और अगर राइट साइड में आप बात करोगे तो ये है जिसको हम गांव की भाषा में जोड़ बोलते हैं। गांव का सारा पानी यहां पर एकत्रित होता है। अब लेके चलते हैं आपको गांव के खेतों के अंदर, दिखाते हैं आप लोगों को। देख सकते हो आप व्यू खेतों का, अभी तो खेतों में पानी चल रहा है। और गाइस सुबह सुबह का व्यू कितना अच्छा लगता है। अब देखो सूरज का प्रकाश धरती के ऊपर कितना प्यारा लग रहा है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा यहाँ का व्यू। तो हम अभी आ चुके हैं अपने गांव के नहर के ऊपर। तो आप लोगों को मैं नहर दिखाता हूँ कैसे हमारी नहर, जहाँ से इन सभी खेतों के अंदर, आप दिखाओ इन खेतों को, इन सभी खेतों के अंदर पानी पहुँचाया जाता है नहरों के द्वारा। और ऐसा नहीं कि देखो कुछ टाइम पे नहर नहीं आती, तो सभी के पास में समरसेबल भी लगा हुआ है। और यहाँ से मैं अपना गांव दिखाता हूँ कैसा दिखता है दूर से। जो आपको उधर की तरफ दिख रहा है वो सारा मेरा गांव ही है उस साइड में। तो ये वाला जो रास्ता जाता है सीधा नूरगढ़ जाता है, आप लोगों को मैंने एक वीडियो के अंदर दिखाया था। इस मेरे चैनल पे एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। एक विचित्र जगह है, वो विचित्र जगह इसी रास्ते पे है नूरगढ़ के अंदर जो आश्रम है, ठीक है। और आपको गाँव का भी दिखाता हूँ कैसा है। अभी तो खेतों के अंदर पानी चल रहा है, गेहूँ की बुआई हो रही है। आओ आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ के खेतों का नज़ारा। चलो आप देख सकते हो यहाँ के खेत कैसे हैं। तो गाइस करते हैं आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये आपको वीडियो कैसी लगी और कैसा लगा मेरा गांव। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द।